हेलो एवरीवन, देश हम शादिया फ्रॉम बदीउज़्ज़मा खान पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट उपरी सीतामढ़ी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ VCS सॉफ्टवेयर इन स्टूडेंट लाइफ। तो मैं ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो अभी तक VCS के इम्पॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। VCS क्या है? वर्चुअल क्लासरूम सॉफ्टवेयर है, ओके। और ये सॉफ्टवेयर DST ने हर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए दिया है, जहाँ पर वो जाकर कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ओके। इसको बनाने के लिए DST की तरफ से काफ़ी मेहनत भी किया गया और काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया गया, ताकि हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे इंजीनियर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, चाहे डिप्लोमा कॉलेज के हैं, वो इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और अपने कोर्स को घर बैठे भी कंप्लीट कर सकें, ओके। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में क्या था कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए थे, आपके कोचिंग क्लासेस बंद हो गए थे, कॉलेज में भी क्लासेस बंद हो गए थे, तो उस टाइम में इस सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, तो उसी के लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट मैं ऐसे देखता हूँ जो अभी तक इस सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंस को जानते ही नहीं है कि ये क्या करता है और हम इसको क्यों देखें, ठीक है। और वो इधर उधर कोचिंग क्लास में भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ कोचिंग करते हैं और क्लास में क्या होता है, कोचिंग क्लासेस में क्लास करें कि ज़्यादा पास होने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैंने रियल लाइफ में, मतलब जब जो स्टूडेंट इस बार जो 6 सेमेस्टर पास कर गए हैं जो स्टूडेंट डिप्लोमा में, और वो जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको जब इसके बारे में बताता हूँ VCS के बारे में, कि वो लोग पूछते हैं सर हम इस टॉपिक में थोड़ा सा वीक हैं, कहाँ इसका क्लास कर लें ताकि मेरा ये सब्जेक्ट मजबूत हो जाए और JEE का एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं सर कि ये सब्जेक्ट मेरा ठीक नहीं है, इसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि आप लोगों को जब गवर्नमेंट ने फ्री का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रखा है तो आप लोग उसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो वो बोलते कौन सा, तो मैं यही बताता हूँ कि VCS एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको BPSC से क्वालिफाई हुए मैक्सिमम फैकल्टी अभी पढ़ा रहे हैं, ओके। रेगुलर फैकल्टी जो ज्वाइन हुए हैं BPSC से क्वालिफाई होने के बाद, वो हाईली क्वालिफाइड हैं और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं पढ़ाने का, इसीलिए वो क्या करते हैं अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं हर एक टॉपिक पे। जैसे मान लूँ कंसिडर करूँ अगर डिप्लोमा कॉलेज की बात करूँ, तो डिप्लोमा कॉलेज अभी कितने हैं बिहार में डिप्लोमा कॉलेज टोटल 44 है। तो किसी एक टॉपिक को अगर आपको समझ में नहीं आया, सपोज़ आपने कोचिंग क्लासेस किया, कॉलेज में भी क्लास किया या ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखा, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप VCS पे जाके उस टॉपिक को सर्च करेंगे तो इस 44 कॉलेज के 44 प्रोफेसर, यानी जितने भी प्रोफेसर हैं, हर कॉलेज में एक प्रोफेसर को एक सब्जेक्ट दिया जाता है, ओके। यानी 44 कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट 44 प्रोफेसर, यानी कि 44 प्रोफेसर मिलके एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। इससे क्या होगा कि आपको मान लीजिए 10 प्रोफेसर का वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाकी 34 जो प्रोफेसर हैं वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें से मैक्सिमम जो होते हैं गेस्ट फैकल्टी भी हैं, कॉन्टैक्ट वाले भी हैं, वो सब भी बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। आप उनका वीडियो देख सकते हैं पहले जो है, और उसके अलावा जो अभी क्वालिफाई करके आए हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है और एक्सपीरियंस है, वो भी अपना बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाकर VCS पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट, सबसे पहले अपने ब्रांच को चूज़ करना होता है। ब्रांच चूज़ करने के बाद आपको टॉपिक चूज़ करना होता है, कौन सा टॉपिक आपको समझना है, और उस टॉपिक पर सर्च करने के बाद आपको नंबर ऑफ़ वीडियोज़ उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाता है, जो कि टोटल 44 प्रोफेसर 44 डिप्लोमा कॉलेज के मिलकर उसी टॉपिक पर अपना वीडियो बनाते हैं। तो सबका आप वीडियो बारी बारी से सर्च करके एक एक करके देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मान लीजिए आपको 44 में से 34, सपोज मान लें 34 प्रोफेसर का वीडियो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन 10 तो होंगे ना जिनका वीडियो आपको समझ में आएगा, जिनका बताया हुआ आपको स्टाइल पसंद आएगा और उनके पढ़ाने का आपको, मतलब पढ़ाने का आइडिया जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। उन्हीं का सारा वीडियो देखेंगे क्योंकि आपको वो पसंद पड़ रहे हैं, आपको वो समझा पा रहे हैं, तो आप उनका वीडियो देखें, उनको फॉलो करें। तो आज में हम ये बताने जा रहे हैं कि VCS इंपॉर्टेंस कितना रखता है और VCS को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, मतलब स्टूडेंट कैसे इसको ओपन करेंगे, कहाँ से लिंक मिलेगा, कैसे लॉगिन करेंगे, कहाँ से वीडियो सर्च करेंगे, वो अपने प्रोफाइल में क्या क्या देख सकते हैं, कैसे कैसे वो एग्जाम टेस्ट दे सकते हैं, कैसे स्कोर देख सकते हैं, सब कुछ आज मैं इसके बारे में डिटेल से आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं इसमें स्टूडेंट लॉगिन पे चलूंगा, स्टूडेंट का जो क्योंकि आप पहले आप स्टूडेंट लॉगिन यूज़ करते हैं, तो मैं स्टूडेंट के पूरे लॉगिन को डिटेल से बताऊंगा। देन आफ्टर मैं फैकल्टी का भी लॉगिन को बताऊंगा कि फैकल्टी लोग लॉगिन करके आपके परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं और कैसे आपको कॉल करके बोल सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस इस फील्ड में ख़राब है, आप इसमें सुधारिए, आप अपने इस परफॉर्मेंस इसमें इंप्रूव कीजिए, कैसे वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा, स्टूडेंट लॉगिन भी और फैकल्टी लॉगिन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन की अगर बात करें तो स्टूडेंट लॉगिन के लिए आपका जो लिंक होता है वो लिंक है dst.student.codebuckets.in, ये लिंक है। इसको आपको क्या करना है, गूगल में ले आकर पेस्ट कर देना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा। देखिए यहाँ मैंने बना के रखा है कि ये जो लिंक है नीचे वाला http://dst.student.codebuckets.in, ये स्टूडेंट के लिए है, ये स्टूडेंट लॉगिन के लिए है।
और ये ऊपर वाला जो है ये फैकल्टी लॉगिन के लिए है, फैकल्टी मेंटर एचओडी लॉगिन के लिए है। तो इसको मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि स्टूडेंट वहां से क्या करें, डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके ये लॉगिन पेज पर पहुंच जाएं और अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर वहां लॉगिन कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस जो लिंक है इसको उठाना है, कॉपी करना है। ओके, कॉपी करने के बाद इसको ले जाके गूगल गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इस लिंक को आके क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉगिन पेज खुल जाएगा। ये स्टूडेंट लॉगिन है। ओके, इसी तरह से फैकल्टी लॉगिन मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्टूडेंट लॉगिन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो यूजर नेम पासवर्ड है ही नहीं तो मैं लॉगिन कैसे करूंगा, यहाँ मांग रहा है ईमेल और पासवर्ड। तो वैसे स्टूडेंट जिनको अभी तक ईमेल और पासवर्ड नहीं मिला है, इसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है, वो अपने फैकल्टी से, रिस्पेक्टिव फैकल्टी से बात करेंगे कि सर जो आपके मेंटर हैं, यानी आपका हर एक स्टूडेंट का एक मेंटर बनाया गया है कॉलेज में, वो अपने इस मेंटर के बारे में पता करेंगे, अपने ब्रांच के एचओडी से मिलेंगे और कहेंगे सर मेरा मेरे मतलब मेरे ऊपर मेंटर कौन है, उनसे बात करेंगे, वो आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट को मान लीजिए मैं यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया लेकिन पासवर्ड भूल गया, सपोज पासवर्ड भूल गया, तो वो क्या करेगा, फॉरगेट पासवर्ड पे जब क्लिक करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, अपना जैसे ही आईडी डालेगा, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है जिसका नाम है विकास कुमार, ओके, मैंने उससे उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा है ताकि ये वीडियो बना सकूं, और बनाने के बाद मैंने उससे कहा है कि आप अपना तुरंत जैसे ही वीडियो बन जाएगा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लेना, ओके। तो मैं यही अभी बताने जा रहा हूँ, इसी के यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आपको ये समझाऊंगा कि आप जब लॉगिन करेंगे तो क्या क्या आपके सामने आएगा, प्रोफाइल में क्या करना होता है, कैसे वीडियो देखना होता है, कैसे टेस्ट देना होता है, सब कुछ मैं इसमें दिखाऊंगा। तो देखिए जैसे मैं इस स्टूडेंट को अगर मैं सेलेक्ट करूँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद, तो आपको ईमेल डालना होगा, कौन से ईमेल से आपने रजिस्टर किया वीसीएस पे, यानी आपके मेंटर ने आपका कौन सा मेल आईडी डाल के रजिस्टर किया। उसके बाद आप प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका डिटेल खुल जाएगा, जैसे ये विकास कुमार नाम है इसका, इस कॉलेज का ही, बदीउज़्ज़मा खान कॉलेज का ये स्टूडेंट है जिसका मोबाइल नंबर यहाँ है। ओके, यहाँ पे आपको जो पासवर्ड अपना डालना है, नया पासवर्ड वो डाल दीजिए, कन्फर्म पासवर्ड में जो आपको डालना है यहाँ पे डाल दीजिए, और मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो मोबाइल नंबर उस स्टूडेंट ने दिया है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे जब डालेंगे तब क्या होगा, आपको सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। सबमिट करके जब प्रोसीड करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे, यहाँ पे ओटीपी इंटर करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद आपका ये नया पासवर्ड सेट कर जाएगा। ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट जिसका यूजर नेम बन चुका है, पासवर्ड मिला था लेकिन भूल गया है, तो वो इस तरह से करके रिसेट कर सकता है अपने पासवर्ड को। ओके, अब चलिए हम इसका लॉगिन करते हैं और लॉगिन पेज पे जाने के बाद हम लोग बात करेंगे। ये शमशाद मैसेज मेरा, तो ये मेरा मतलब प्रोफेसर लॉगिन है, मैं स्टूडेंट जो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ उसका लॉगिन एंटर करता हूँ। ओके, और उसके बाद हम लोग चलेंगे उसमें कि क्या 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 स्टूडेंट लॉगिन में होता है, और धीरे धीरे हम लोग बीच में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, वीसीएस किस तरह से बेटर है इन कंपेरिजन टू द यूट्यूब और इन कंपेरिजन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अदर प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि वाईफाई स्टडी हो गया और भी अदर प्लेटफॉर्म है, उस पर कैसे कैसे मतलब उससे कैसे बेटर है वीसीएस, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, देखिए ये जो आप जब लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले यहां पे आपका नाम शो करेगा, जिस स्टूडेंट का लॉगिन है उसका नाम शो करेगा, यहाँ विकास कुमार इस स्टूडेंट का लॉगिन है जो शो कर रहा है। यहाँ पे इसका लिख रहा प्रोफाइल नॉट कंप्लीट, तो आप क्या करेंगे पहले अपना प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए, देन आफ्टर हम लोग वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जाइए, जाने के बाद ये प्रोफाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ओके, जब ये प्रोफाइल ओपन होगा तो प्रोफाइल में आपको क्या 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 अपडेट करने के लिए कह रहा है, तो देखिए सबसे पहले अपडेट करने के लिए कह रहा है डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, तो ये यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो डेट ऑफ बर्थ अपना अपडेट कर दीजिएगा। इसने अपडेट अभी नहीं किया, ये अपडेट कर देंगे। इसके जो मेंटर है वो चंदन सन है, चंदन कुमार नाम लिखा हुआ है इस स्टूडेंट के मेंटर ये हैं, तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बैच आपका ऑप्शन नहीं है बल्कि कैटेगरी आपको डालना है, आप कौन से कैटेगरी के, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी है आप यहाँ पे डाल देंगे। ओके, कंफर्म करेंगे, देन आफ्टर आपके पास लैपटॉप है या नहीं यस करके आप सेलेक्ट करके, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये करने के बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट जब हो जाएगा तो ये क्या है, आपका अपडेट पासवर्ड, अगर मान लीजिए ये प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे वो मैसेज आना बंद हो जाएगा, जो भी मैसेज आ रहा है वो मैसेज आना बंद हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए आपको पासवर्ड चेंज करना, फॉरगेट पासवर्ड नहीं, आपको पासवर्ड याद था, ये लॉगिन कर लिया लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा पासवर्ड, जैसे मैं अभी इसका पासवर्ड डाला हूँ, अब मैं इसको कहूँगा चेंज करने के लिए, तो ये अपना पुराना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पहुँचेगा जब, तो यहाँ से ये अपडेट कर सकता अपने पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपडेट पे क्लिक करेगा, अपना नया पासवर्ड डालेगा जो चाहिए इसको, कंफर्म करेगा दोबारा, यानी यही पासवर्ड को यहाँ डालेगा सेम पासवर्ड, उसके बाद अपडेट करेगा तो इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ओके, ये स्टूडेंट अपना पासवर्ड जब चेंज कर लेगा उसके बाद क्या है, वापस अपने डैशबोर्ड पर चला जाएगा लॉगिन पेज पे, ठीक है। इसको जब हम लोग बैक करेंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, मेन पेज पे, ये मेन पेज है आपका। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट क्या है, वीडियो सेलेक्ट करते हैं कि कैसे हमको वीडियो देखना है, पहले मैं बता देता हूँ वीडियो कैसे देखना है, टेस्ट कैसे देना है, उसके बाद बाकी ये सारा जो ऑप्शन है इसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ओके, जब सारा कुछ हो जाएगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ लॉग आउट करने का ऑप्शन आता है, जरूर जहाँ भी लॉग इन कीजिए बाहर किसी कंप्यूटर पर तो लॉग आउट जरूर कीजिए। ओके, और यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो आपकी कॉलेज का डिटेल, इसमें इसको क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम आता रहता है,
चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, आप कोई भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आप उस ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर आप कौन से सेमेस्टर में है, 1, 2, 3, 4, सेम जो परफॉर्मा मैं बता रहा हूँ ये डिप्लोमा कॉलेज के लॉगिन का है, लेकिन आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लॉगिन से ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, आप सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने सपोज सेमेस्टर सेलेक्ट किया सेमेस्टर 3, ओके, देन आप क्या करेंगे सेमेस्टर 5 में, ये स्टूडेंट 5 का, चलिए मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी कर सकते हैं, जो सेमेस्टर का आपको वीडियो देखना है। मान लीजिए आपका टॉपिक, अगर सपोज आप किसी ब्रांच में हैं और आपको टॉपिक कोई फंसा है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है, तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, नहीं, आप किसी भी ब्रांच का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपको ट्रांसफार्मर अगर फंसा है सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल में एक्सप्लेन होगा। इलेक्ट्रिकल में जाएंगे सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस आपके पास होगा, आपके पास BST की तरफ से यानी SBTE की तरफ से सिलेबस मिलता है, उस सिलेबस को देखिएगा। उस सिलेबस में जो आपका लिखा रहता है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करके ऐसे करके लिखा रहता है, एक्चुअली में यूनिट 1 यूनिट 2 करके वहां मेंशन होता है, तो यूनिट ही यहां पे मॉड्यूल के नाम से जाना जाएगा। जैसे मैं अभी इंटर करूंगा तो वहां यहां पे मॉड्यूल के नाम से आएगा, यूनिट को मॉड्यूल नाम दिया गया है। ओके, तो यहां पे क्या है, पहले आपको क्या करना है, ब्रांच सेलेक्ट करना है, देन आफ्टर क्या है सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। जब आप प्रोसीड करेंगे तो ये वीडियो पे ले जाएगा, तो वीडियो आ जाएगा। देखिए इसमें सेमेस्टर 5 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहला माइक्रोप्रोसेसर पढ़ना है, दूसरा मेजरमेंट पढ़ना है, तीसरा रेडियो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ना है, चौथा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवा टेलीविजन पढ़ना है, 5 पेपर पढ़ना है, ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसमें से इसने माइक्रोप्रोसेसर सपोज सेलेक्ट किया, इसका कोड है माइक्रोप्रोसेसर का, ये सब्जेक्ट कोड है। ओके, इसमें टोटल वीडियो कितना है, यहाँ दिखाई देगा 1287 वीडियो है टोटल। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए अब आ गया मॉड्यूल। मैंने बोला था कि यूनिट, जैसे आपके सिलेबस में यूनिट लिखा जाता है वही यहाँ पे मॉड्यूल है, तो आप सिलेबस खोल के देख लीजिएगा कि आपके यूनिट 1 में क्या है टॉपिक, तो आप यहाँ मॉड्यूल 1 में क्लिक करेंगे तो वही टॉपिक यहाँ मिलेगा आपको। ओके, तो आप मॉड्यूल 1 में क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मॉड्यूल 1 में क्या है, तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ 8085। आपको इंट्रोडक्शन में अगर देखना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे, अगर आपको नहीं देखना है यानी यूनिट 2 का देखना है तो यूनिट 2 पर क्लिक करेंगे। इसमें देखेंगे क्या है, माइक्रोप्रोसेसर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड देखना है तो आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो फिर से वापस होकर मॉड्यूल 3 क्लिक करेंगे। जो आपको चाहिए सबका सब यूनिट का नाम यहाँ पे दिया रहता है कि इस यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक है, इस यूनिट के अंदर क्या है, तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हो उसके। जैसे इसमें पेरिफेरल इंटरफेसिंग एंड टाइमर, चौथा देख लें तो चौथा क्या है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो ये जो टॉपिक है यहाँ मेन आपको यूनिट का नाम दिखाई दे देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। मान लीजिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमको वीडियो देखना है तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जब वीडियो ओपन होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये VCS जो है ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें क्या है कि अभी इसका सर्वर जो बनाया गया है काफ़ी मतलब हैवी है, तो लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाद में इसको लाइट कर दिया जाएगा अगर, तो ये जल्दी लॉगिन लेने लगेगा। हमारे कॉलेज के मैक्सिमम स्टूडेंट ज़्यादातर विलेज से बिलोंग्स करते हैं, गाँव से आते हैं, तो वहाँ नेटवर्क नहीं होता। वो हमेशा इशू बोलते हैं सर DST में हम लोग जब भी VCS मतलब जब हम लोग VCS को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन होने में बहुत टाइम लग जाता है, खुलता ही नहीं है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्क अपने मोबाइल में देख लें पहले कितना नेटवर्क आ रहा है, और अगर अच्छा नेटवर्क हो तभी लॉगिन करें। जनरली अगर शाम में आप लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन नहीं लेगा, क्योंकि आपकी तरफ नेटवर्क आपका वीक होगा। आप लॉगिन करना है तो आप सुबह कीजिए, यानी एक टाइमिंग शिफ्ट कर मतलब सेट कर लीजिए कि सुबह हमको पढ़ाई करना है, 3 बजे सुबह से उठना है और पढ़ाई करना है 7 बजे तक, तो 3 से 7 के बीच में लॉगिन कीजिए और जितना वीडियो देखना है सारा वीडियो उसमें देख डालिए। ओके, देखिए यहाँ भी लॉगिन का भी इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी इंटरनेट जो है अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए लॉगिन होने में मतलब आगे प्रोसीड करने में वीडियो खुलने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वीडियो खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग दिखाता रहता है कि वीडियो ओपन हो रहा, वीडियो ओपन होने के बाद क्या होगा, इससे रिलेटेड सारा लिस्ट खुल जाएगा। ज़्यादा वीडियो होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे। ओके, तो सारा वीडियो जब खुल जाएगा तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वीडियोज़ कौन है, कौन सा टॉपिक हमको ओपन करना है, कौन सा फैकल्टी का देखना है। आप अगर फैकल्टी का नाम जानते हैं तो सर्च करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर फैकल्टी का नाम डालेंगे सर्च करेंगे सिर्फ उन्हीं का वीडियो दिखाई देगा। और अगर मान लीजिए आपको नहीं पता फैकल्टी का नाम, आप चाहते हैं कि किसी भी फैकल्टी का देखें कौन अच्छा है, आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सारे फैकल्टी का एक एक वीडियो बीच में से उठा के कोई वाला भी पूरा सुनिए, देखिए कि वो टॉपिक जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या आप दूसरे टीचर की तरफ मतलब दूसरे फैकल्टी की तरफ स्विच कर सकते हैं, दूसरे फैकल्टी का वीडियो देखिए। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फैकल्टी को स्विचिंग करना है और अपना जो टॉपिक है उसको अच्छे से देखना है और समझना है। समझने के साथ साथ क्या, सिर्फ वीडियो को देखिएगा नहीं बल्कि नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए, यानी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका नोट्स बनाइए, अपने कॉपी को सामने रखिए और जो पढ़ाया जा रहा है उससे आप अपना पढ़ते जाइए। जैसे आपका ऑनलाइन आप क्लासेस करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे क्लासेस समझ के उसको पढ़ते जाइए और उसका नोट्स बनाते जाइए। जब आपको डाउट हो फिर से वीडियो खोलिए, फिर से देख लीजिए। ओके, तो इस तरह से चलना है। मैं इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस नहीं बता दूँ क्योंकि लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लूँ। तो देखिए, जैसे कि आप VCS को समझ रहे हैं कि VCS क्या है, मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, मैं कहूँगा कि VCS आपके लिए इतना यूज़फुल है कि फ्री में आप जब पैसा बर्बाद करें, यानी पेरेंट्स का पैसा जो बर्बाद करें कोचिंग क्लासेस में और ऑनलाइन ये लेके यूज़र नेम पासवर्ड जैसे वाईफाई स्टडी और भी अदर भी है,
मैं मानता हूँ वे सारा प्लेटफॉर्म अच्छा है, ओके, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा वीडियो मिल जाता है आपको, कोचिंग क्लासेस में भी कोई कोई टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सब भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ओके, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिलेक्टेड फैकल्टी हैं। सिलेक्टेड मतलब क्या, पहले से ऑलरेडी उन्होंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सेलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है, उनके पास कुछ ना कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस है जो आपको इस वीडियो में, मतलब अपने वीडियो में वो शेयर करते हैं, तो आप उनका वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो फैकल्टी हैं सब एक तरह के नहीं हैं, बल्कि सारे फैकल्टी का कैलिबर अलग है, सारे फैकल्टी का टैलेंट अलग है, सारे का आपको क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जिसकी वजह से समझाने का स्टाइल भी सबका अलग अलग है। तो आपको जिसका अच्छा लगे आप उसका देखेंगे, ओके, एक सेकेंड, इसमें आप प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगेगा, अगर मान लीजिए तो आप बैक करके फिर से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अभी देख लेता हूँ, थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, अगर ये प्रोसेस होकर आगे खुल जाएगा तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जब तक मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ इसके ऊपर, देखिए एक चीज़ आपका ये जब लॉगिन आप किए हुए हैं तो इसमें आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, सबसे पहला काम वीडियो तो देखेंगे कौन कौन सा वीडियो है, उसके साथ साथ क्या है, आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो नोट्स डाउनलोड करने का हो गया ऑप्शन, नोट्स डाउनलोड कर लिया, देन आफ्टर क्या, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी आप अगर कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करने जैसे यूट्यूब, तो सिर्फ उस वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, वीडियो देखने के साथ साथ उससे रिलेटेड नोट्स भी अपलोड होता है, वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, और नोट्स को सामने रख के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जब पढ़ाई हो जाए किसी टॉपिक को आप समझ लेना चाहते हो तो उससे रिलेटेड टेस्ट रहता है, तो टेस्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट देंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाएगा कि आपने कितना समझा है, ओके। तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ है VCS का जो आपको नहीं पता है, और मैं चाहता था कि इसको एक्सप्लेन करूं, ये लॉगिन हो जाए उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। कभी कभी ये जो होता है ना, सर्वर को बहुत ज़्यादा बिजी होता है, इसमें DST में यही अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि सर्वर बिजी होने से क्या होता है, कभी कभी ये ओपन होने में टाइम लगता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अभी मान लीजिए लॉगिन नहीं ले, बाद में आप लॉगिन करें, थोड़ी देर बाद लॉगिन करके ट्राई करके देखें, और उसके बाद लॉगिन हो जाए, उसके बाद यहाँ पे वीडियो लिस्ट में जाकर देखें, ठीक है। तो ये थोड़ा बताया पहले ही मैंने कि ये लाइट वर्जन नहीं है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा इंटरनेट स्पीड इसको चाहिए होता है, देन आफ्टर आप लॉगिन कर पाएंगे, तो अभी मैं वेट कर लेता हूँ, अगर ओपन होता है फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, ओके। हाँ, ये लॉगिन पेज स्टूडेंट का खुल गया है, देखिए यहाँ पे इसमें टाइम कभी कभी लग जाता है लॉगिन, इसलिए क्योंकि वहाँ VCS में कुछ काम चलता रहता है, जैसे अपलोडिंग का काम चलता रहता है, सर्वर का कुछ मेंटेनेंस वगैरह चलता रहता है, तो कभी कभी ये खुलने में टाइम लगता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, बल्कि थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ देना है ओपन करके, वो अपने से प्रोसेसिंग होगा, उसका ओपन हो जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक मतलब जो सब्जेक्ट चूज़ किया वो है माइक्रोप्रोसेसर, और उसका यूनिट 5 का कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यूनिट 5 जब सेलेक्ट किया टॉपिक, जिसमें था कि डेटा कन्वर्टर के ऊपर ये टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस और नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि ADC पार्ट 2 करके जो फैकल्टी है, यहाँ फैकल्टी का नाम होता है, ठीक है, जगृति वंदना का जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज की है, ये जो टॉपिक अपलोड किए हैं उसका नाम है सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप A2D कन्वर्टर, ओके। इस तरह से आप अपना टॉपिक जो सर्च करेंगे उससे रिलेटेड एक फैकल्टी नहीं बल्कि बहुत सारे, जितने देखिए जैसे एक फैकल्टी यहाँ है इनका नाम है, दूसरा यहाँ है नैन्सी प्रिया, ठीक है, उसी तरह से तीसरा यहाँ है कमल किशोर, चौथा अर्चना, तो जितने भी फैकल्टी, जो मैंने कहा कि डिप्लोमा कॉलेज में जैसे आपको 44 फैकल्टी हैं, तो 44 फैकल्टी का यहाँ पे वीडियो आपको और नोट्स उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा, तो आप उनका वीडियो चलाइए, वीडियो ओपन करके वीडियो को चलाइए और चला कर देखिए कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अगर वीडियो चल रहा है तो उनको आराम से सुनिए, उनके ऊपर नोट्स बनाइए और देखिए अब कि कैसा पढ़ाएं वो, अगर आपको उनका अच्छा लगता है तो आप उनको फॉलो कीजिए, और अगर आपको उनका अच्छा नहीं लगता तो आप चेंज कर सकते हैं, दूसरे फैकल्टी को चूज़ करके उनका वीडियो देखिए, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक पेपर का यानी एक टॉपिक से रिलेटेड 44 ऑप्शन है, और सारे ऑप्शन एक से बढ़ के एक हैं, तो आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है, वो भी फ्री में, तो इससे अच्छा क्या होगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, जैसे मान लीजिए फैकल्टी आपके कॉलेज के हैं और उन्होंने कहा कि मेरा वीडियो ये फलाना मैंने अपलोड कर दिया, उसको जाकर देख लेना, सब्जेक्ट वो सपोज मान लीजिए माइक्रोप्रोसेसर ही पढ़ाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा इस टॉपिक से रिलेटेड डेटा कन्वर्टर से ऊपर रिलेटेड अपना वीडियो और नोट्स अपलोड कर दिया, VCS में जाकर देख लेना, तो आप क्या कीजिएगा, पहले सब्जेक्ट मतलब सबसे पहले क्या है, आपका कौन सा सब्जेक्ट बोल रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर, उसको सेलेक्ट किया आपने, देन आफ्टर क्या किया आपने, टॉपिक कौन सा बोले यानी वो कौन से यूनिट का टॉपिक है, यूनिट सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ आ गए। अब आप अपने फैकल्टी का नाम यहाँ सर्च करेंगे, ओके, उनसे रिलेटेड वीडियो मिल, जैसे कि मैंने इस टॉपिक में मैंने भी माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ाया तो मेरा भी वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरा नाम MD शमशाद है, तो आप MD ही लिखेंगे तो हम मेरे से रिलेटेड जितने भी MD नाम के फैकल्टी होंगे सब आ जाएंगे, खैर अगर पूरा नाम याद है तो पूरा नाम डाल दीजिए उनका, ठीक है। तो मेरा नाम MD शमशाद, मैं यहाँ प्रेस करके डालता हूँ, देखिए ये सारा जो है डेटा कन्वर्टर के ऊपर मेरा वीडियो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वीडियो, ये सारा वीडियो है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मेरा नाम है MD शमशाद आलम, जो मैं कॉलेज से हूँ, और ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या है, टाइप्स ऑफ डिजिटल D2A कन्वर्टर है, ठीक है, इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया है, ब्लॉक डायग्राम इसका एक्सप्लेन किया गया है, साथ में क्या एक्सप्लेन किया गया है, और भी इसका क्या है, तो जो भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया डेटा कन्वर्टर के ऊपर, तो ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप कोई भी वीडियो को जब ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करें सपोज, तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो ओपन कहाँ से होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वीडियो ओपन यहाँ से होगा,
वीडियो ये ओपन हो गया। ओके ओपन होने के बाद ये डाउनलोड, अगर आईडीएम आप रखे हुए तो डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके अगर ये डाउनलोड का ऑप्शन है तो डाउनलोड हो जाएगा तो बढ़िया है, और डाउनलोड अगर नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो जब ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे रेटिंग करने का होता है। देखिए स्टूडेंट ने, मैंने रेटिंग पहले से कर रखा है, ठीक है, आप रेटिंग कर सकते हैं जैसा आपको वीडियो का क्वालिटी लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप 5 रेटिंग करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आपको जितना मन करे उतना रेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेटिंग करेंगे, वो फैकल्टी को आप रेट कर रहे हैं, मतलब उसने किस लेवल का पढ़ाया है। तो ये मेरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जहाँ तक आप देख लिए, मान लीजिए शुरू से देखिए, आप तो देखेंगे तो शुरू से देखेंगे, लेकिन मान लीजिए आपका 20 से छूट गया, आपने बंद कर दिया, कोई काम में चले गए, फिर आके आप वहीं से बढ़ा के इसको देख सकते हैं। ओके उसके बाद हम चलते हैं पीछे बैक होके थोड़ा। ये मैंने दिखाया आपको कि कैसे आप टॉपिक सर्च करेंगे, कैसे उससे रिलेटेड क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, और साथ में यहाँ नोट्स का ऑप्शन भी होता है। अगर मान लीजिए फैकल्टी ने वीडियो के साथ साथ नोट्स अपलोड कर रखा है तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नोट्स। देखिए यहाँ पर इसको अभी मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, तो डाउनलोड करेंगे यहाँ पे क्लिक, तो क्या हो जाएगा आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आके आपका क्या हो जाएगा, जो भी पीडीएफ उससे रिलेटेड होगा, जो भी मटेरियल होगा, देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, और ये पीडीएफ क्या हो जाएगा, ये नोट्स जो होगा इसका वो डाउनलोड हो जाएगा, बाद में आप इसको देख लेंगे। अब हम लोग वापस चलते हैं। तो मैंने आपको ये क्या क्या बताया इसमें, सबसे पहले तो बताया कि आप वीडियो देख सकते हैं पूरा, ठीक है, किसी भी फैकल्टी का। साथ में क्या देखा हम लोगों ने, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा क्या देखा, उनको रेट कर सकते हैं, कितने रेटिंग के, मतलब आपको लग रहे हैं कितने, मतलब फैकल्टी सब अच्छे ही हैं, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कितना पसंद पड़ा उसके हिसाब से आप अपना रेटिंग दे सकते हैं। और फैकल्टी को सर्च कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया, जो फैकल्टी है उनका नाम यहाँ पे डालिएगा और उनसे रिलेटेड सारा वीडियो, जैसे अभी नहीं दिखाई दे रहा तो जैसे ही आप इसको फिर दोबारा कीजिएगा, ये देखिए पूरा जितना भी वीडियो है, ये मेरा नाम से जो है जितना भी वीडियो वगैरह है सब इस पर मेरे ही नाम का दिखाएगा, क्योंकि आपने मेरा नाम डाल के यहाँ सर्च किया। ओके तो ऐसे ही आप जिसका भी नाम डाल के सर्च करेंगे, जो भी फैकल्टी का, उससे रिलेटेड सारा वीडियो आपको आ जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी टॉपिक का हो। ओके तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको टेस्ट का भी ऑप्शन आएगा, टेस्ट देने के लिए। तो मैंने इसमें टेस्ट अपलोड नहीं किया होगा, मैंने दूसरे वीडियो में टेस्ट अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप टेस्ट देना हो तो टेस्ट का ऑप्शन आता है, जैसे कोई टॉपिक मैं उठा लूँ और फिर से अगर क्लिक करूँ वहाँ पे, तो टेस्ट नीचे में लिखा रहता है टेस्ट, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, वहाँ लिखा रहता है टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें क्वेश्चन खुल जाएगा, क्वेश्चन पे आप ऑप्शन टिक करेंगे, आंसर करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे तो वो चला जाएगा रिजल्ट सेक्शन में, और आपको रिजल्ट शो करेगा। आप रिजल्ट कहाँ से देखेंगे कि आपने टेस्ट में मार्क्स कितना लाया है, ठीक है। तो मैं दिखाते चलता हूँ आपको। देखिए एक लेदर बोर्ड का ऑप्शन है यहाँ साइड में, यहाँ पे क्या क्या, पहले आप देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले आपने जो जो वीडियो अभी तक देखा है, ठीक है, जितना वीडियो आपने देख रखा है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा वॉच्ड में, मतलब आपने जो जो वीडियो देखा है वॉच्ड पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो का लिस्ट खुल जाएगा जो आपने देखा है, ठीक है, और कौन कौन फैकल्टी का देखा है, किस टॉपिक से रिलेटेड देखा है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। ओके उसके बाद नीचे में देखा था वॉच वीडियो के नीचे क्या था आपका, तो टेस्ट था, तो वहाँ क्या है, आपने कौन कौन टेस्ट दिया है सब कुछ दिखाई देगा। ये वीडियो वाला जब भी क्लिक किया जाएगा थोड़ा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो क्या होता है एक बड़ा साइज का, मतलब सारा वीडियो एक साथ लिस्ट खुलता है तो लिस्ट में क्या होता है टाइम लग जाता है प्रोसेस होने में। तो ये प्रोसेसिंग हो जाए जब तक हम लोग देख लेते हैं, ये प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा कि इसने कौन कौन सा वीडियो देखा है और कब कब देखा है। आपको अगर मान लीजिए कोई वीडियो, जैसे देखिए ये लिस्ट खुल गया, इस फैकल्टी मतलब इस स्टूडेंट ने मेरा वीडियो देखा है पहले, अभी कब देखा है, तो इसका डिटेल आप क्लिक करके देखेंगे, 5:21 पे इन्होंने देखा है, ठीक है। और आगे देखें ये सारा क्या है, टॉपिक से रिलेटेड सारा वीडियो देखा, चंदन सर का वीडियो देखा, पंकज कुमार का देखा है, सुप्रिया रानी, ये सारी जो फैकल्टी हैं इन सब का वीडियो उसने देखा है, इस स्टूडेंट ने। ये स्टूडेंट ऐसे मेरा फेवरेट स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कहा आपको कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है और इसका पॉइंटर जो है हमेशा 8.5 के ऊपर रहता है एवरेज, तो ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, इसीलिए मैं इसका बता रहा हूँ कि हाँ ये जो है मेरे सब्जेक्ट को इसको फॉलो करता है और इसका वीडियो भी देखता है। आगे चलते हैं हम लोग टेस्ट के ऊपर बात करते हैं, टेस्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा टेस्ट देखने से अच्छा है कि आप लेदर बोर्ड पर क्लिक कीजिएगा, तो लेदर बोर्ड में सबसे अच्छा चीज़ दिखाई देगा कि अभी तक बिहार में डिप्लोमा कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है वो यहाँ पे शो करेगा, उसने कितना वीडियो देखा है अब तक, उसका स्कोर क्या है, उसने कितना टेस्ट दिया है, ठीक है, आपका रेटिंग कहाँ है, आपका रैंकिंग कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये लेदर बोर्ड में दिखाई देगा। अभी लेदर बोर्ड अगर ओपन हो जाता है मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लेदर बोर्ड में आप क्या क्या देख सकते हैं। ओके ये ओपन हो रहा है, अभी ओपन होने दीजिए। ओपन होने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है जो सबसे टॉप पे है बिहार में और जो सबसे ज़्यादा अभी तक वीडियो देख चुका है, कितना उसने टेस्ट दिया है, उसका कितना स्कोर है, आपका कितना स्कोर है, आपने कितना टेस्ट दिया है, कौन से टेस्ट में आपने कितना मार्क्स लाया है और कौन टेस्ट में आपका कौन सा आंसर गलत हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी ये ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सब कुछ ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक सेकेंड मैं देख लूँ। ओके चलिए ओके ये देखिए इस स्टूडेंट का सबसे पहला जो रैंक वन है जिसका पूरे बिहार में स्टूडेंट में, वो स्टूडेंट कहाँ का है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेकूरा का है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है ये लड़का, और इसने कितना वीडियो देखा है, 3,543 वीडियो अभी तक देख रखा है इसने। ओके और टेस्ट की बात करें तो इसने टेस्ट कितना दिया, 1744 टेस्ट दिया है,
और स्कोर कितना है इसका 8744। ठीक है, तो ये आपका जैसे अभी अब मैं देख रहा हूँ इस लड़के का विकास, एक सेकंड देखिए, विकास कुमार, विकास कुमार, विकास कुमार आ गया। ठीक है, इतना सारा है। अभी नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, फिर इस लड़के का देखना है। अगर मान लीजिए विकास, इसका नाम पूरा है विकास सोनी शायद है, ठीक है, तो उसका सर्च करेंगे तो वहां दिखाई देगा। जितना भी विकास है अदर कॉलेज में, जैसे विकास कुमार, विकास कुमार, विकास, तीनों है, अलग अलग कॉलेज का है, जमुई का है, गया का है, गुलजारबाग का है, तो इन लोगों का ये स्कोर दिखाई दे रहा है। ये 10 में है, आप यहाँ पे 100 कर देंगे तो आपका अगर स्टैंड करता है इस नाम में, यानी विकास कुमार अगर टॉप 100 में आते हैं तो यहाँ दिखाई देगा, और अगर नहीं आते तो फिर नेक्स्ट करिएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा, तो आपका कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा। तो आपने क्या किया है, ये देखा कि मतलब बिहार में कौन कितने रैंकिंग पे है, आपका अपना रैंकिंग कहाँ स्टैंड करता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सारे टॉप 100 लिस्ट के हैं, तो इसको मैं टॉप 10 कर देता हूँ ताकि पूरा लिस्ट ना खुले। ठीक है, अभी मैं इसको टॉप 10 ही भी कर देता हूँ, आगे नहीं चलता हूँ। नीचे देखिए, ये टेस्ट रिजल्ट किसका है, ये आपका टेस्ट रिजल्ट है कि आपने टेस्ट दिया, कब टेस्ट दिया, किस टॉपिक का दिया। जैसे ये क्या है, 8 अक्टूबर 2020 को टेस्ट दिया गया है, किस टॉपिक पे दिया गया है, तो नीड नीड एंड वर्किंग ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन, इस पे दिया गया। ठीक है, और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया जिसमें से 2 मार्क्स आया। ओके, आप अपना पेपर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पेपर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेपर दिखाई देगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन कौन कौन अटेम्प्ट किया था, उसका आंसर क्या था। देखिए, ये आंसर क्या था, आंसर इन्होंने मार्क किया था रिपीटर, लेकिन आंसर क्या है, ट्रांसपॉन्डर। तो जो आपने मार्क किया था वो आंसर यहाँ दिखाई देगा, और जो सही आंसर वो यहाँ दिखाई देगा, और आपका स्कोर कहाँ दिखाई देगा, आपका स्कोर यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी हम लोग देखा, ये स्कोर आपका है, कितना आपने स्कोर लाया। तो ये सारा स्कोर मिलने के बाद, एक्यूमुलेट होने के बाद, ये टोटल स्कोर बनाता है। जैसे कि आपने टेस्ट में कितना लाया ओवरऑल अभी तक, उसके अलावा वीडियो आपने कितना देखा, सब मिलने के बाद आपको टोटल स्कोर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे आपका रैंकिंग होता है। तो ये तो हो गया आपके लॉगिन पेज पे, यानी स्टूडेंट के लॉगिन पेज पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और स्टूडेंट कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने दिखाया। तो स्टूडेंट टेस्ट कैसे दे सकते हैं, अभी मैंने बताया कि वीडियोज़ पे, वीडियोज़ की लिस्ट में जाएंगे, वीडियो लिस्ट पे वीडियो ओपन करेंगे, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक से रिलेटेड है उसमें टेस्ट अगर रहेगा तो यहाँ लिखिएगा टेक ए टेस्ट, टेक ए टेस्ट पर क्लिक करेंगे और टेस्ट दे सकते हैं। ओके, और रिजल्ट कहाँ देखेंगे, रिजल्ट देखने के लिए लीडर बोर्ड में जाएंगे, लीडर बोर्ड में जाने के बाद आप अपना यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स गेन हुआ है। ओके, चलिए, तो ये स्टूडेंट लॉगिन से रिलेटेड मैंने लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दिया कि स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है किसी भी वीडियो को, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च करके, डिफरेंट डिफरेंट मतलब फैकल्टी का, यानी 44 फैकल्टीज़ के द्वारा जो अपलोड किया गया वीडियो VCS पे है, उसमें जो सबसे बेस्ट है उसका वीडियो देख सकते हैं, उसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और उन्होंने जो टेस्ट अपलोड किया है टॉपिक से रिलेटेड, वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो सिर्फ अपने कॉलेज के नहीं दे सकते हैं, बल्कि पूरे डिप्लोमा कॉलेज, यानी जितना भी बिहार में डिप्लोमा कॉलेज है 44, किसी भी कॉलेज के किसी भी फैकल्टी का देख सकते हैं, और किसी भी फैकल्टी का टेस्ट भी दे सकते हैं, सब कुछ। ये क्या है, पूरा ओपन है। इवन वो अपने ब्रांच का छोड़िए, अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप इलेक्ट्रिकल का भी वीडियो देख सकते हैं, आप मैकेनिकल का भी देख सकते हैं, सिविल का भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सिविल में है वो टॉपिक, लेकिन एग्जामिनेशन में, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो उसमें स्विच कर जाएंगे, मतलब सिविल ब्रांच में जाकर उस टॉपिक को सर्च करेंगे, वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। तो ये क्या है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, जो ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन जिनका अच्छा नहीं है, जिनके घर का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है, वो यहाँ फ्री प्लेटफॉर्म है उनके लिए, बिना पैसा खर्चा किए। आजकल मोबाइल का इंटरनेट तो हर के मोबाइल में रहता है, तो बिना पैसा खर्चा किए वो देख सकते हैं। अगर मान लीजिए उनके पास मोबाइल भी नहीं है, इतना गरीब है कि मोबाइल भी नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉलेज में आके, कॉलेज में बैठेंगे, सिस्टम, कॉलिंग सिस्टम अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है, कॉलेज में आके बैठ के देख सकते हैं, दिन भर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ाई कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो VCS का जो उनके क्लास से रिलेटेड है वो सब्जेक्ट देख रहे हैं। ओके, तो ये ऐसा फैसिलिटी हर स्टूडेंट को दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, ताकि आप इसको यूज़ करें। चलिए, अब हम लोग चलेंगे फैकल्टी लॉगिन के ऊपर, यानी फैकल्टी लॉगिन के ऊपर देख करके देखेंगे कि फैकल्टी आपका क्या क्या परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कैसे आपको मतलब पूछते हैं कि कौन कॉलेज का उनका वीडियो देखा जा रहा है, किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा वीडियो देखा जा रहा है, किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा टेस्ट दिया उनका, किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा उनका वीडियो देखा है, वो सब कुछ फैकल्टी कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, चलते हैं फैकल्टी लॉगिन। तो मैंने अभी बताया आपको कि स्टूडेंट लॉगिन में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा कि स्टूडेंट लॉगिन देखने के बाद। चलिए, अब हम लोग फैकल्टी लॉगिन को भी ओपन कर लेते हैं। तो फैकल्टी लॉगिन के लिए मैंने जो लिंक दे रखा है dst.teacher.codebuckets.in है, इसका लिंक मैंने आपको दिखाया अभी नोटपैड में। तो ये मेरा है, ठीक है, अभी मैंने वीडियो अपलोड किया 150, नोट्स 142 और यूनिक व्यू इतना है। ठीक है, ये मेरा फैकल्टी लॉगिन, फैकल्टी अपना देख सकते हैं, कितना वीडियो उन्होंने अपलोड किया, कितना नोट्स उन्होंने अपलोड किया, उनका व्यूज़ क्या चल रहा है, अभी रेटिंग क्या चल रहा है उनका, ये सब कुछ वो देख सकते हैं। तो ये आपको देखने की जरूरत है, मैं काम का बात बताता हूँ जो आपके लिए है। ओके, वो क्या है, आप अपने लॉगिन पे जाने के बाद टेस्ट लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट लिस्ट में कौन कौन स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, कौन कौन स्टूडेंट का क्या स्कोर रहा, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, टेस्ट लिस्ट ओपन होने दीजिए, अगर टेस्ट लिस्ट ओपन हो जाता है मैं आपको यहाँ पे फैकल्टी लॉगिन में दिखाऊंगा। और मेंटर, एक फैकल्टी लॉगिन का हो गया, जैसे टीचर जो भी अपलोड करेंगे वो इसी लॉगिन से अपलोड करेंगे टीचर लॉगिन में, लेकिन मेंटर हर फैकल्टी क्या है, अभी फैकल्टी को मेंटर ही बनाएगा, कुछ स्टूडेंट को डिवाइड करके, जैसे आप 50 स्टूडेंट हैं
और आपके कॉलेज में 5 फैकल्टी है, तो हर एक फैकल्टी को 10-10 स्टूडेंट देकर क्या बनाया गया कि आप 10 स्टूडेंट के मेंटर हैं, आप 10 स्टूडेंट के मेंटर हैं। तो वो फैकल्टी क्या करते हैं, उस स्टूडेंट का खास ख्याल रखते हैं और उस 10 स्टूडेंट का सारा परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, टेस्ट में कितना स्कोर कर रहा है, ठीक है, और अगर वीक है तो कौन से सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में टेस्ट में उसको कम आ रहा है, ठीक है, और बाद में उसको जब आता है मिलने के लिए तो उसको बताते हैं कि तुम्हारा ये पेपर वीक है, तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं आ रहा है, इस पर मेहनत करो, क्या प्रॉब्लम है, उसके कंसर्न टीचर से वो मिलवा सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए है, ये फैकल्टी को लॉगिन में दिखाया गया है कि प्रॉपर गाइडलाइंस आप कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट को और कैसे स्टूडेंट का आपका मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। मैक्सिमम पहले स्टूडेंट क्या करते थे, कोचिंग पर डिपेंड करते थे, कोचिंग पर डिपेंड क्या होता है, कोचिंग में ज़्यादातर लोग क्या करते थे, अभी भी यही चलता है कि आपको नोट्स बनवा के दे दिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि इस पे क्वेश्चन आएगा रट लो, जाके एग्जाम में आप रट के दे आते हैं और आप पास वर्क मार्क्स ले आते हैं, यानी आपको 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम हो रहा है तो आपका क्या होता है, अगर आपको 45 और 40 नंबर आ गया बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन एक्चुअली में 40-45 अच्छा नंबर नहीं होता, आपका अगर मार्क्स 60+ है यानी 60 से 70 के बीच में तो यू आर द बेस्ट, ठीक है, और अगर आपका मतलब ऑलमोस्ट 55+ भी है तब भी यू आर द बेस्ट, मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन 55 के नीचे तो आप एवरेज हैं, ओके, तो अपने आप को एवरेज में नहीं लाना बल्कि बी द बेस्ट, क्योंकि जो बेस्ट हैं वही जॉब ले पाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, जब भी लॉग इन कीजिए पूरा यूज़ कीजिए VCS, जो फ्री फैसिलिटी की आपको DST दे रहा है, मतलब डिपार्टमेंट आपको दे रही है ये फैसिलिटी फ्री में, तो आप इसको यूज़ कीजिए और जितना ज़्यादा यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। कोचिंग पर डिपेंड मत कीजिए, कोचिंग में क्या होता है, वो लोग पढ़ाते हैं मेनली जो जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं और उनका जॉब अभी नहीं हो रहा होता है, तो पार्ट टाइम के लिए, टाइम पास के लिए वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और कोचिंग में पढ़ाते हैं, ओके, लेकिन यहाँ जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, BPSC के थ्रू सेलेक्टेड हैं और भी हायर मतलब एग्जाम देके क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका टैलेंट कोचिंग से आप कंपैरिजन नहीं करते हैं। कोचिंग में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब वैसे ही होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा आपको वहाँ पे क्या पैसा भी पे करना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है और आप उनके हिसाब से टाइम देना पड़ता है। यहाँ आप फ्री हैं, आप जब चाहे देख सकते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं, जब चाहे नोट्स बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ ऑल थिंग्स इन योर हैंड, ठीक है, आप जब चाहे अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से जब चाहे एडजस्ट करके अपना वीडियोस देखिए, पढ़ाई किए, जो सब्जेक्ट देखना है देखिए और जो टीचर का मन करे वो देखिए, ऐसा नहीं बाउंड नहीं है कि आप अपने कॉलेज के ही टीचर का देखेंगे या नहीं तो सर नाराज़ हो जाएंगे या सर देख लेंगे कि हम मेरा वीडियो नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है, आप दूसरे टीचर का भी देखेंगे तो सर को उतना ही अच्छा लगेगा क्योंकि सर को ये पता ही नहीं चलता है कि आपने किसका वीडियो देखा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिर्फ यही देखा जाता है, फैकल्टी ये देखते हैं कि मेरा वीडियो किस किस कॉलेज में देखा जा रहा है, वो देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं देखेंगे मेरे कॉलेज का लड़का वीडियो क्यों नहीं देख रहा है, और ये इंडिविजुअल किसी को नहीं कर सकता कि आप क्यों नहीं देख रहे हैं। हाँ, अगर आपके वो मेंटर हैं तो आपका देख सकते हैं परफॉर्मेंस कि आपने कौन कौन वीडियोस देखा है, कब देखा है, कितना देर देखा है, आपका टेस्ट दिया तो कितना नंबर आया, ये सब कुछ देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी टीचर्स लॉगिन नहीं खुल पा रहा है, अभी टीचर्स लॉगिन अगर खुलता है तो मैं इसके ऊपर दूसरा टीचर के ऊपर, टीचर और मेंटर के ऊपर एक और वीडियो बना लूंगा, ये वीडियो ऐसे भी लंबा होता जा रहा है तो मैं इसको यहीं एंड करता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद यहीं एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मेंटर का लॉगिन और टीचर्स का लॉगिन में जो जो चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको भी पता चले कि टीचर्स आपको कैसे मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे आपको मेज़र कर रहे हैं और किस तरह से आप पे नज़र रखे हुए हैं ताकि आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।